तो आज का हमारा टॉपिक है वेरिएबल्स के बारे में कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था वेरिएबल इज ए स्पेस स्पेस इन कंप्यूटर मेमोरी, और इसका जो पर्पस है क्या है, विच इज यूज टू स्टोर डेटा। ठीक है, ये इसका काम है। और इसकी जो तीसरी स्टेटमेंट है, वेरिएबल वैल्यूज कैन बी चेंज्ड ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम चलने के दौरान इसकी वैल्यू को चेंज किया जा सकता है। ये इसके बारे में ट्रुथ है वेरिएबल के बारे में। ओके, अब चलते हैं आगे, थोड़ा सा स्टडी करते हैं यहाँ पर कि हमारे पास जो है बेसिक डेटा टाइप क्या है। बेसिक डेटा टाइप के बारे में पढ़ते हैं। डेटा टाइप क्या होती है, ठीक है ना, क्या कह सकते हैं डेटा, बेसिक डेटा टाइप है हमारे पास अल्फा न्यूमेरिक, न्यूमेरिक और अल्फाबेट। ठीक है, तीन किस्म का हमारे पास यूजुअली एक प्रोग्राम के अंदर डेटा मिलता है, यानी कि अल्फा न्यूमेरिक, अल्फाबेटिक और न्यूमेरिक, तीन शक्ल में हमें डेटा मिल रहा होता है। अल्फा न्यूमेरिक जो इसकी टाइप है, उसमें जो डेटा होगा वो कुछ इस तरह का हो सकता है। अगर हम इसको यहाँ पे एक नई स्लाइड पे लेके जाएं और यहाँ पे हम उसकी टाइप के बारे में बात करें, तो इसकी जो डेटा की शक्ल हो सकती है कुछ ऐसा हो सकता है, जैसे मॉडल नंबर हो सकता है किसी चीज़ का, फॉर एग्जाम्पल ABC127, कार या बाइक का नंबर हो सकता है, वो भी कुछ इस तरह से ही होते हैं, यानी कि HYD1234। ठीक है, जिसमें अल्फाबेट भी हो और नंबर्स भी शामिल हो। अल्फा न्यूमेरिक, अल्फाबेट से अल्फा ले लिया, न्यूमेरिक से नंबर से न्यूमेरिक ले लिया। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप कहलाती है, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। सही, फिर आगे चलते हैं। एक और डेटा टाइप है जिसका नाम है न्यूमेरिक, ये स्पेशली डील करती है नंबर्स को, डील्स विद नंबर्स। अब नंबर्स कितने किस्म के होते हैं, होल नंबर, ठीक है, डेसिमल नंबर, ठीक है, और भाई ये दो ही चल रहे हैं इसके अंदर तो फिलहाल। अब यहाँ पर ये जो होल नंबर्स हैं, इसका मतलब क्या है, मतलब कोई भी नंबर होगा वो फुल नंबर होगा, फॉर एग्जाम्पल 1200,35,4। ठीक है, ये कोई फुल नंबर्स हैं। और अगर डेसिमल नंबर्स की बात करें, इनको हम प्रिसिशन वैल्यूज भी कह रहे होते हैं, तो ये कुछ इस तरह की वैल्यूज होंगी, 45.43, ठीक है, 63.4567, ऐसी वैल्यूज इसमें पॉइंट आएगा। दोनों नंबर्स हैं, लेकिन ये दोनों नंबर्स में इस तरह के मामला रहेंगे कि एक में होल नंबर लिखा हुआ आएगा और दूसरे में डेसिमल नंबर आएगा, जो पॉइंट वाली वैल्यू की। इसको हम फ्रैक्शन वैल्यू भी कहते हैं, प्रिसिशन वैल्यू भी कहते हैं। आगे मैं लिख देता हूँ, फ्रैक्शन, ठीक है, या प्रिसिशन, जिसमें डॉट आएगा, ठीक है, इन वैल्यूज पे भी कह रहे होते हैं। तीसरी टाइप है अल्फाबेटिक, जो कि स्पेशली डील करेगी, अल्फा बैटिक, जो कि स्पेशली डील करेगी किसको, ये डेटा पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, डेटा की टाइप कितनी किस्म में डेटा मिल सकता है, जो कि डील करता है डील्स विद कैरेक्टर, वर्ड्स एंड सेंटेंस। ठीक है, इसमें आप कैरेक्टर लिखेंगे, वर्ड लिखेंगे, सेंटेंस लिखेंगे, ए एप्पल, दिस इज एन एप्पल, तो ये स्पेशली डील करेगा कैरेक्टर्स और लेटर्स को। ये डेटा की तीन हालतें हैं, मतलब देर आर थ्री बेसिक टाइप ऑफ डेटा, मतलब डेटा हमें इन तीन स्टेट्स में मिलता है। कैसे भैया, तो अल्फाबेटिक किसी का नाम होगा, किसी भी चीज़ का नाम होगा, या नंबर्स होगा, उसकी वैल्यू होगी, उसका साइज होगा, उसका वॉल्यूम होगा, या फिर तीसरी टाइप होती है उसकी, कौन सी, जिसको हम कहते हैं अल्फा न्यूमेरिक, या वो इस तरह का डेटा होगा, किसी का हाउस नंबर होगा, हाउस नंबर 1214 3216, या वो किसी का गाड़ी का मॉडल नंबर होगा, मोबाइल का मॉडल नंबर होगा, जिसमें नंबर्स और कैरेक्टर्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये तीन हालतें डेटा की बेसिकली। अच्छा, अभी आगे देखते हैं कि अगर ये तीन हालतें डेटा की हैं, तो अभी हम तो पढ़ रहे थे वेरिएबल, तो डेटा की हालतें क्यों पढ़ी हमने, ये इसलिए पढ़ी क्योंकि वेरिएबल का काम क्या है, पढ़ लें जरा। वेरिएबल का काम ये है, ये कंप्यूटर की मेमोरी में स्पेस रिजर्व करता है, इसका काम ही यही है, विच इज यूज टू स्टोर डेटा। तो फिर ये किस तरह का डेटा स्टोर करेगा, अब हम चलते हैं कि प्रिमिटिव डेटा टाइप।
अब प्रिमिटिव डेटा टाइप कौन सी होती है, मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो डेटा टाइप्स हमें ऑफर करती है उसको हम कह रहे होते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जो डेटा स्टोर करने के लिए हमें डेटा टाइप्स दी हुई होती हैं उनको हम कहते हैं प्रीमिटिव डेटा टाइप। अभी मैंने आपको पढ़ाई थी बेसिक डेटा टाइप्स, अब मैं पढ़ा रहा हूँ आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की प्रीमिटिव डेटा टाइप जो हमें सी दे रही है। सी हमें दे रही है कौन सी, इंट, लॉन्ग, शॉर्ट, फ्लॉट, डबल, ठीक है, स्ट्रिंग, कैरेक्टर, ये डेटा टाइप हमें सी लैंग्वेज ऑफर करती है। मतलब सी लैंग्वेज में हम इतने किस्म के डेटा टाइप अवेलेबल हैं और इसमें हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। अब वेरिएबल कितने टाइप के होते हैं, तो जितने किस्म की डेटा टाइप्स हैं वेरिएबल डेटा टाइप्स, तो सेम चीज हम उस पर वहां लिख देंगे, ठीक है। तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा को स्टोर करने के लिए ये डेटा टाइप्स होती हैं। इसके मैं पूरे पूरे वर्ड लिख देता हूं, इंटीजर, लॉन्ग, शॉर्ट, इसके आगे भी लिख देता हूं, इसके आगे सेम लिखा जाएगा इंटीजर्स, फ्लॉट, ये कहलाएंगे फ्लॉट ही है, डबल डबल ही स्ट्रिंग कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर, ठीक है। अब इतने ही किस्म के वेरिएबल हमें ऑफर होते हैं, जितने किस्म की डेटा टाइप हमें ऑफर करती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उतने ही किस्म के वेरिएबल भी दे रही होती है। ये बात क्लियर हो गई, सबके समझ में आ गई, सही है, ओके। वेरिएबल का काम क्या दिया, हाँ भाई शिता, क्या काम है, हाँ वैल्यूज को स्टोर करना इसका काम है। ये नहीं समझ में आएगा तो आगे कहाँ से जाएंगे हम, ठीक है, समझ में आई। लास्ट टाइम हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि हम वेरिएबल को क्यों इस्तेमाल करते हैं, मैंने कहा भाई एक वैल्यू अलग अलग लिखेंगे तो सब जगह जाके अपडेट करना होगा, तो उससे बेहतर है कि आप उसको मुख्तलिफ वेरिएबल्स में डाल दें और उसको यूज कर लें। लेकिन इसका एक जवाब और भी है, व्हाई वी यूज वेरिएबल। तो यहां पर एक जवाब यह है कि पहली तो बात यह है कि स्टोर डेटा सेपरेटली एंड वी कैन परफॉर्म ऑपरेशंस कैलकुलेशंस ऑन वेरिएबल्स, ठीक है। तो ये कोई भी ऑपरेशन या कैलकुलेशन परफॉर्म करनी हो वेरिएबल पे तो हम वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं, और कंप्यूटर में प्रोग्राम के अंदर हमें डेटा को स्टोर करने के लिए वेरिएबल लाजमी चाहिए होता है। अच्छा, अब यहां से चलते हैं आगे, एक टॉपिक आता है कि भाई अगर ये कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है तो फिर किस तरह की कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले है अरिथमेटिक ऑपरेशंस, अरिथमेटिक ऑपरेशंस कह लें या अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कह लें। अरिथमेटिक ऑपरेशंस कौन कौन से हो गए, जिसमें प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और ये रिमाइंडर मॉड वाला, ठीक है। फिर कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स ऑपरेशंस, और उसके ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं, तो आ गया उसमें ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ठीक है, नॉट का साइन नहीं है, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन, ये इसमें इक्वल इस तरह से होता है, डबल इक्वल लिखते हैं, ठीक है। ठीक है, ऑपरेटर्स भी बता दिए और ऑपरेशन भी बता दिए। तो फॉर एग्जांपल एक चीज मैं इसमें बता रहा था कि अगर हम इसको, इसकी जो डेटा टाइप है वेरिएबल को हम कन्वर्ट करें तो एक टाइप बनती है इंटीजर टाइप। इंटीजर टाइप मतलब जिसमें नंबर आ गए, नंबर दो किस्म के हैं, तो अगर इंटीजर टाइप में जाए तो वहां पर डील करेगा इंटीजर, लॉन्ग और शॉर्ट, ये जो टाइप होंगी ये होल स्टोर करेंगे, टू स्टोर होल नंबर्स, मतलब बगैर पॉइंट वाली वैल्यू को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होंगे। और अगर हम इस पे जाएं डेसिमल टाइप पर, तो वहां पर हमारे पास जो है वो है फ्लॉट,
और डबल, और ये क्या करेंगे, टू स्टोर प्रिसिशन वैल्यूज या पॉइंट वाली वैल्यूज को। ये होल नंबर भी स्टोर कर सकते हैं और प्रिसिशन भी कर सकते हैं, दोनों चीजों पे कर सकते हैं आप। ये सिर्फ होल नंबर को स्टोर कर सकेंगे। और अगर हम चाहें कैरेक्टर पर कैरेक्टर, तो ये जो चार जो टाइप है ये यूज होगी टू स्टोर सिंगल कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर, ठीक है, कैरेक्टर। और जो स्ट्रिंग है ये स्टोर होगा टू स्टोर वर्ड्स, लेटर्स, पैराग्राफ, सेंटेंसेस एंड सो ऑन, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई सबके, सारी हो गई बात समझ में आ गई, वेरिएबल का यूटिलाइजेशन, पर्पस और चेंज अपडेट्स के सब। अब आते हैं इसका प्रैक्टिकल परफॉर्म कर लेते हैं, ठीक है।